वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एंड मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम आपने फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन ली है तो मार्केट में कितने की थी और होलसेल में कितने की थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने होलसेल में नहीं ली है, हमने कैंटीन के थ्रू ली है और हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी डिटेल बताऊँगी कि हमने कितना कितना लिया है। तो सब चलो चलते हैं और आपको सबकी डिटेल देती हूँ कि हमने कैंटीन से क्या क्या परचेज करा है तो और कितने में लिया है, मार्केट का रेट क्या है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि रेट का अप डाउन हो सकता है क्योंकि हमने हर एक चीज़ कोई एक साल पहले लिया, कोई सिक्स मंथ पहले लिया, कोई थ्री मंथ पहले, तो रेट का अप डाउन हो सकता है। तो वो लोग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम टीवी की। और ये उस टाइम एक साल हो गया ऑलमोस्ट, तो उस टाइम ये 52,000 रुपये की मार्केट रेट था इसका और हमको पड़ी 38,000 रुपये में। तो आप सीधे सीधे लगा लो 14,000 रुपये का इसमें हम लोगों को फ़ायदा मिला है कैंटीन के रेट में। तो रेट अप डाउन हो सकते हैं, या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो 43 इंच की तो ये है, ये बड़ी सी टीवी हमको चाहिए थी क्योंकि हमारे पास छोटी थी तो वो वैसे भी हमें बड़ी टीवी चाहिए थी, तो हमने ये परचेज़ करी कैंटीन से और हमें पड़ी है जैसे मैंने बोला है 38,000 रुपये में पड़ी है। तो ये है टीवी, अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। माइक्रोवे IFV कंपनी का और काफ़ी अच्छा है ये, हमारा कन्विंसिंग वाला है, इसमें सब कुछ बन जाता है। आप कुछ भी कोई चीज़ गर्म करो एंड कुछ भी बना लो, आप इसमें चाय भी बन जाएगी, आप रोटी गर्म करो, पापड़ गर्म करो, कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो सब कुछ बन जाए। ये 3 इयर्स की वारंटी के साथ है और ये हमने एक साल पहले ख़रीदा था। तो ये उस टाइम मार्केट में एक साल हो चुका है इसको, तो मार्केट में ये 14,000 का था और हमें 9,000 रुपये का पड़ा ये माइक्रोवे। और काफ़ी अच्छा है, 3 इयर्स वारंटी के साथ है और हमें एक साल चलाते चलाते हो गया। तो इसमें सब कुछ बन जाता है, आप केक बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, कुछ भी बना लो आप, इसमें कन्विंसिंग वाला है और काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हमने पिछले साल लिया था और तो लगा लो कहाँ 13,000 और फिर हमें ये 9,000 का पड़ा। अब तीसरा जो आइटम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं अभी दो चीज़ें और लेने की सोच रही हूँ, एक हो गया, एक मुझे डबल डोर फ्रिज ख़रीदना है और हमने इन्वर्टर के लिए नहीं पूछा, अगर उनके पास इन्वर्टर अवेलेबल होगा तो एक मुझे इन्वर्टर ख़रीदना है। तो एटलीस्ट अगर हमें गवर्नमेंट ऐसी सुविधा दे रही है कि हमें कोई सामान हम ले सकते हैं उसमें डिस्काउंट है तो क्यों ना हम वो ख़रीदें। तो आप लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जब हम लोगों को, और मैं कहती हूँ कि जो फौजी हैं उन लोगों के लिए जो ऑन सर्विस हैं या जो रिटायर हो चुके तो उनको कैंटीन के कार्ड पे ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ये सुविधा है, पर सिविल पर्सन के लिए नहीं है, सॉरी। या तो आपके रिलेटिव में कोई फौजी है या रिटायर हो चुके तो आप लोग भी ख़रीद सकते हो। तो मैं अभी ये दो चीज़ें और लेने वाली हूँ और कुछ अच्छा होगा आगे तो वो भी लूँगी। लास्ट में बात करती हूँ अपने वॉशिंग मशीन की, और तो ये है मेरी वॉशिंग मशीन जो 3 इयर्स वारंटी के साथ है और 10 इयर्स ऑन मोटर की वारंटी है इसकी। एंड ये है वॉरफुल की है और 360 डिग्री एंगल में कपड़े धुलती है, 7.5 kg की है और उसमें 12 फंक्शन है पूरे, और इसमें हॉट वाटर का भी सिस्टम है और फुल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है ये। इसमें भी 3 मॉडल थे तो हमने टॉप मॉडल लिया है। तो ये मेरी वॉशिंग मशीन है और काफ़ी अच्छी है, ऊपर का जो ढक्कन है इसका ये ग्लास में है और अभी कपड़े धुलने के लिए डाल रखे मैंने। तो ये है, तो ये भी हमने कैंटीन के थ्रू परचेस करी है ये वाली मशीन। बात करती हूँ अब मशीन की, वॉरपुल की मशीन है, 7.5 kg की, काफ़ी अच्छी है। आप एक बार कपड़े डाल दो और आपको कपड़े पूरे धुल धाल के ड्राई कपड़े मिल जाएंगे और 53 मिनट में सब कुछ, और भी फंक्शन है कि आपको जल्दी कपड़े चाहिए तो सब कुछ फंक्शन है इसमें, ओके। अब बात करती हूँ कि कितने की ली थी, तो मैंने ये 3 मंथ पहले ली थी, तो मैंने ली थी 21,629 की और उस टाइम मार्केट का जो इसका रेट चल रहा था 28,000 रुपये चल रहा था इसका मार्केट का रेट। और क्या होता है ना कि प्राइस में भी अप डाउन हो जाता है, तो हो सकता है कि अभी ये कम सस्ती हो गई, हो सकता होगा ये अब महंगी हो गई, तो प्राइस का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि जब मैंने ख़रीदी तो मुझे इतने की पड़ी थी ये कैंटीन के थ्रू। एंड आप वही आप इसको फाइनेंस करवा सकते हो बजाज कार्ड से, 0% पेमेंट में फाइनेंस करवा सकते हो या पैसे दे सकते हो, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसा कर सकते हो।
और एक मैंने कूलर लिया था, वो अभी मैंने पैक कर दिया है। तो वो कूलर भी हमें 13,000 का मार्केट रेट था, लेकिन हमको पड़ा था 9,500 का कैंटीन के थ्रू। तो आप लोग कैसे ले सकते हो कि अगर ये सिर्फ जो सर्विस है ये सिर्फ आर्मी मैन के लिए है, जो आर्मी में ऑन ड्यूटी है या रिटायर हो गए, तो कैंटीन के कार्ड के थ्रू आपको ये सामान मिल जाएगा, आप जाओ। और कैंटीन अगर आप डायरेक्टली कैंटीन, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग दिल्ली में रहते तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बाहर भी हैं जो कैंटीन से उनका कैंटीन से उन लोगों का कांटेक्ट है, तो वो लोग कैंटीन के थ्रू सामान लेते हैं फिर बाहर इसको बेचते हैं। तो हमने बाहर शॉप से ही ली। आप कैंटीन से भी डायरेक्ट ले सकते, जो आर्मी की कैंटीन होती है, आर्मी कैंटों में होती है। तो आपको जो सामान लेना है उसका मॉडल नंबर बताना है और आपको क्या चाहिए उसका नाम बताना है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एंड बाहर भी हर बड़ी बड़ी सिटियों में होती है दुकानें, जैसे हमारे देहरादून में तो है ही, देहरादून में भी है या दिल्ली में बहुत सारी हैं दुकानें जो बाहर है, जिसमें आपको आर्मी वालों को सामान मिल जाएगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा सामान। तो ये सारा सामान हमने उन्हीं शॉप से ख़रीदा जो कैंटीन के थ्रू सामान दिलाते हैं। तो हमको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला हर चीज़ में, हर एक चीज़ में। और सबसे ज़्यादा मुझे जो डिस्काउंट मिला वो हमें टीवी में मिला, एलईडी में मिला, कि सीधे सीधे 14,000 का हमें उसमें फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी खरीद सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। तो यही था मेरा। तो आपको अगर कुछ और पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आप लोग कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो खासकर मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बाय।